के साथ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. जब से मोमिन सर वहां गए हैं उस दिन से और लोग उनका साथ छोड़ गए हैं, मुझे पता है, क्योंकि अब मोमिन सर जो दिखा रहे हैं वहां से, और जिस तरह से मोमिन सर ने ये घोषणा की कि भाई अब यहाँ की भी पुलिस वो करेगी, इनकी शिनाख्त करेगी और इनको वहां की जेल में भी जाना पड़ेगा, कुछ लोग बैक फुट पे चले गए. आज समाधि याद आई, आज उसको हमारे से याद आई. इतने दिन से तो उसने आसामाजी को बोला नहीं, आसामाजी को उसको इतने दिन से समझा रही है, इतने दिन से बोला नहीं, आज क्यों बोला उसने? उसने सोचा होगा भैया जैसे मोमिन सर को बोलती रहती है वो, कभी लल्लो कभी क्या बोलते पप्पू कभी कुछ, आज पूत आकर के बोल रहे थे दोनों को, दोनों वो जो दिखा रहा है वो गलत दिखा रहे हैं, यहाँ से वहां गया है, इसने उनको हेलो हेलो साजिया, इसने उनको पढ़ा दिया है, उनको स्क्रिप्ट दे दिया है कि अच्छा तुझे तेरे भैया स्क्रिप्ट देते हैं, इसका मतलब सारी दुनिया ही सबको स्क्रिप्ट देती है. अच्छा है उनको तो एक साल पहले ही तेरी कंप्लेंट कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी करती बहुत गनीमत है, और वो इसलिए कि अभी तक उनके पास कोई पुलिस वाला कोई जांच एजेंसी वाले कोई नहीं गए, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास कोई नहीं आए, तो उन्होंने अभी भी इसलिए कि अब कर देंगे तो कम से कम जांच वाले आएंगे तो हम बता सकते हैं कि हमने ये कंप्लेंट कर दी है. बबीता तो लेके आई है मोल से, वो मोल से कहा उसके पास इसने पहले ही दे दिए होंगे ना, ये तो ऑनलाइन मंगा देती है ना वो विजय कपड़े. अच्छा आज की आप क्या कहेंगे कि बर्थडे हमारे परिवार में तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी हमारे यहाँ जन्मभूमि हो रही है, कभी हमारे यहाँ शादी हो रही है, कभी हम कुछ, हमारे परिवार में बहुत कुछ होता है, तो क्या कुछ होता है उनके परिवार में? कभी बाबा का बर्थडे एक साल में दो बार साल में दो बार मनाया जाता है, क्योंकि बाबा ने कभी, बाबा को पता ही नहीं है कि जन्मदिन किसको बोलते हैं, उनको ये पता है कि पैदा होते हैं, अबे पैदा होकर उसके बाद बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं. और आज कहाँ, आजकल कहाँ गए बाबा, अब बाबा के नामो निशान ही नहीं है, बाबा को पहले पहले खूब दिखाया, अब बाबा दिखते नहीं है, फिर उसके बाद उनके घर में क्या होता है, फिर उनको दोनों बेटियों का जो जन्मदिन मनाया था फरवरी में वो गलत डेट थी, आप हैदर भाई को पूछ लीजिएगा, वो गलत डेट थी. जिस दिन इसने बोला कि मेरा बर्थडे है, उसके अगले दिन हैदर भाई ने आके बोला इसका बर्थडे कहाँ है, जफर भाई खुद बोल रहे हैं, जफर बुरेज को आप पूछिए, जब वो बोल रहे इसका बर्थडे आता ही नहीं है, इसमें जून में तो कभी हमने लेकर 9 साल तो उन्होंने बिताया इसके साल में, इसके साथ में 9 साल में एक भी दिन नहीं मनाया उन्होंने, तो क्यों झूठ बोल रही है? पर इसको कुछ ना कुछ दिखावा करना है ना, इसको तब मेरे को पता है ये बोल तो रही थी, इसने देखा कि जब भी इसके साथ में कोई ऐसा इंसिडेंट होता ना कि भाई कोई आने वाला है या कुछ वो कार्रवाई होने वाली है, या तो ये हॉस्पिटल चली जाती थी या तो ये कहीं चली जाती थी, तो उसके बाद हॉस्पिटल का तो ये नाम नहीं ले सकते क्योंकि हमने बोल दिया, मैंने कहा जिस चीज के लिए तो हॉस्पिटल जाती थी वो चीज अब है नहीं, वो प्रॉब्लम तुझे है नहीं, हर दर्द के बहाने तुम जा नहीं सकती, गोलियां बहुत सारी हैं. तो सर दर्द के बहाने तो जा नहीं सकती, अब जिस चीज जो प्रॉब्लम था इसको वो तो शॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि अंदर पंदर निकाल के डॉक्टरों ने पूरे रन फेंक दिए, एडमिट होगी क्यों एडमिट होगी, तो अब इसलिए सोचा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ढूंढना पड़ेगा मुझे, क्या करूं क्या करूं. एक दिन लगा इसको पूरा दिन सोचने में, इसने बोला 10 तारीख को हैदर का बयान है, 10 तारीख को मैं अपना जन्मदिन क्यों ना मना लूं. अब उस दिन से उसने हवा में बातें छोड़ दी कि भैया मेरा जन्मदिन है, और उसके बाद उसने ये भी बोल दिया कि पहले मैं, मेरा 27वां जन्मदिन है, मैं 27 साल के हो जाऊंगे, 28वें लग जाऊंगे. अगले दिन खट हैदर भाई वो आ गए लाइव, बोले 40 की तो मेरे साथ, 40 40 प्लस तो मेरे साथ थी, 40 प्लस तो बोले मेरे साथ ही है. अभी इसका लोग बढ़ जा, उन्होंने भी यही बोला, लोगों की उम्र बढ़ती है इसकी घटती जा रही है, मतलब लोगों का प्रमोशन होता है कि एक साल और बढ़ तो हमें दुख होता है ना, भैया नहीं मनाना, मेरा एक साल हमारा खत्म हो गया, ये तो खुश हो रही है भाई कि मेरा डिमोशन हो रहा है, मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ. ये तो एक दिन छोटे, ये तो उनसे परी से और खरबतूल से इनसे भी छोटी हो जाएगी, और उसके बाद वो बच्चों में जाएंगे इसको गोद में, आप उसके गोद में आचल वो सुन करके आचल कहीं तो सुसु कर देगी बेड में. हाँ फिर
फिर लप्पू रह जाएगा ऐसी, फिर लप्पू खुश हो जाएगा, लप्पू बोलेगा आज इसको मैं पाकिस्तान भेज देता हूँ, आई एम फ्री। लेकिन उसके लिए लप्पू को 27 या 28 समय लग रही है ना, उसके लिए इसको 27 साल अभी इंतजार करना पड़ेगा, तो 27 साल में तो लप्पू खुद बूढ़ा हो जाएगा, तब तक तो पाकिस्तान निकल है ना यहाँ पे, तब तक तो उसके होंठ भी दिखने लग जाएंगे, है ना। आज वैसे ना होंठों पे बड़ी बात है, ये यकीन करे ना, ओए हो आज तो मैं समझता हूँ कि लप्पू के जर्रे जर्रे को हमने डिस्कस कर लिया। नहीं, और वो मतलब वो भी सुन रहा है, यूं नहीं कि भाई चलो इतनी तो अक्ल होनी चाहिए। देखिए हमारे जब हमारे यहाँ पे संविधान में 18 साल का व्यक्ति एक सुलझा हुआ व्यक्ति समझा जाता है, जब उसको वोट देने का अधिकार है तो उसको इतना पता नहीं है कि सही बात है गलत बात है। 21 साल शादी के हमारे यहाँ पे 21 साल में शादी हो जाती है, तो बेवकूफ कहीं का तेरी तो शादी हो गई है, तो 21 साल का तो हो गया है ना, तो उसको कोहनी मार ले, इसने तेरी किडनियां खराब कर दी है, पूरी करे की किडनियां खराब तेरे तो इसने मार मार के कि ऐसे बोलना पूरे सोशल मीडिया पे जब तू बोलता था, जब तक तेरा इंटरव्यू लिया जाता था, इसने मार मार के तेरी किडनियां तेरे गुर्दे सब खराब कर दिए, अब तो मार दो, अब उसको ये तो क्यों दे रहा है वो ये बोले, इतने ये शब्द कुछ बोलने के लायक है कि भाई मैं तो अगर मीट जहां से हम जाते थे मीट की दुकान में आती थी तो ये इधर को मुंह फेर लेता था, कभी भी नहीं फेरता होगा, ये सोचता होगा मैं घुस जाऊं इसी के अंदर, हाँ कहीं बकरा वकरा मार रखा होगा ना, ये सोचता होगा कि हाँ इसके अंदर घुस के देखूं क्या क्या है, ये तो है वो फेरेगा मुंह, मुझे नहीं लगता कि वो मुंह फेरेगा, और उसने मुंह फेर लिया। और तू कह रही है कि जब से तो इसके संपर्क में आई है तो सनातनी बन गई थी 2019 से, 2023 की तो तेरी चिकन खाने की तेरी वो है, जब तो यहाँ आई हिंदुस्तान में पिछले साल तूने क्या बयान दिया था कि अभी एक साल पहले तक मैं बड़े का मांस खाती थी, तो गौ माता को खाती थी, फिर तो कैसे सनातनी हो सकती है भाई, तुम्हारी गौ माता को खा खा के तूने, और तेरी वीडियो में देखना, वीडियो में देख, तेरी वीडियो में इतना बड़ा बछड़ा कट रहा है तेरे घर में ही, और तू वहां पे वीडियो बना रही है, बेशरम औरत नालायक झूठ बोलती है इतना सबके सामने, तेरी वीडियो में वो बछड़ा कट रहा है, बढ़िया ही 10-10 किलो इसके फ्रिज में भरा रहता था, कभी ऐसा नहीं होता था जिस दिन ये मांस नहीं खाती थी, बिना मांस के खाती ही नहीं थी। एपी सिंह का 10 का बड़ा 10 को बड़े हैं, बर्थडे है, क्या लिख रहे थे सर, कह रहे एपी सिंह का 10 को बर्थडे है, मेरा ख्याल शायद ये लिखा बर्थडे नहीं, एपी सिंह जी का नहीं है, सीमा का है, एपी सिंह सीमा का है, सीमा का बर्थडे बेचारा लप्पू को कोई इसलिए सोचता है 40 साल की बूढ़ी थी वो भी अपने हाथ तरफ से चल के आ गई, इसकी बस की क्या थी, वो भी वो बोला तो था चाहे वो जैसी भी आई है इनकी खैर, नहीं वो कह रहे किसी ने पूछा कि आप लोग अभी भी पबजी खेलते हो, अच्छा इसमें इतनी बोलने की औकात आ गई, इसमें इतनी बोलने की हिम्मत आ गई, अरे नहीं नहीं अब नहीं खेलता, अब तो नब्जी और पबजी चल रहा है, अच्छा लप्पू खा रहा है, अरे नहीं नहीं अब पबजी नहीं खेलते हैं, अब तो नब्जी और सब्जी चल रहा है, मेरे को मन करता है एक लप्पू को, अब जैसे ही उसने बोला ना कि अब लप्पू आ रहे वैसे ही वो ये ऐसे करके उसके कंधे पे मतलब उसको दिखाना है कि मेरा मतलब एक्टिंग भी करनी है, दिखाना भी है कि मैंने इसके कंधे पे ले सकती हूँ ऐसे मुझे, हाँ मैंने अपनी उम्र लप्पू को दे दी है, जब हम छोटे होते थे ना तो एक क्राइम पॉटर आता था बच्चों के लिए, हाँ उसने पहले बार माना है कि मीना जी मुझसे छोटे हैं, लेकिन ये नहीं बताया उसने कितने छोटे हैं, ये नहीं बताया कि भैया ये 20-21 साल छोटा है, ये नहीं बताया जी। यहाँ पर जो है ना हिना ने एक बड़ा जबरदस्त कमेंट किया, एक छोटे थे ना एक एडवर्टाइजमेंट आता था बच्चों के लिए, तो उसमें माँ कहती होती थी होगा दुनिया में तू बेमिसाल मेरे बच्चे मेरे नोने हाल किस और भी लिख रहे हैं सीमा आपके भारत को अपना मान रही है,
हाँ मान लिया उसने भारत को अपना, जितना दाना पानी उसका लिखा हुआ है उतना उसके नाम का मिलेगा, जरूर मिलेगा, चाहे वो जेल में मिलेगा, चाहे वो डिपोर्ट हो के, चाहे वो अभी है मिल रहा है उसको, उसने वैसे भी, और डिपोर्ट भी कहाँ होना उसने, आपने इतनी किस्मत खराब है कि अपने मुल्क भी नहीं होना है, रहो, ओहो आप लोगों की तो किस्मत ही खराब है। भाग जाके में हमारे एसी सिंह का और लप्पू के करेगी सीमा। अच्छा हाँ वही तो, आप लोगों को पता क्या है, बैट्समैन जब मारता है ना और जो बाउंड्री पे जब किस तरह चौका जा रहा होता है ना, तो वो यूं करके खड़े होते हैं ना, और अगर नीचे के तरफ नीचे गिर जाती है कैसे होते होते, वैसे रह गए आप लोग यहाँ से कैसे होते होते बॉल नीचे गिर गई और जाके वो नेपाल में चली गई बॉल नेपाल चली गई। मोमिन शर्मा देखो कितना बढ़िया काम किया ना, नेपाल जाके उन्होंने कितना अच्छा काम किया, सच में लेकिन भगवान उनको 100 साल की उम्र दे, और वो 100 साल से भी ज्यादा की उम्र दे, और ऐसे 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 ईमानदार वकील, और ऐसे ईमानदार वकील की बहुत जरूरत है, और एपी सिंह जी को कुछ सीखना चाहिए, एपी सिंह जी को हम सीखना चाहिए, जन्म लेना चाहिए एपी सिंह को, एपी सिंह का ये मिलेगा एक ही बार मिलता है इंसान का जन्म, अब नहीं मिलेगा, कर्म जाएंगे वो कहते हैं अच्छे कर्म करेंगे क्या आपको नई जिंदगी मिल सकती है। श्रीता जी एपी सिंह कहता है, श्रीता जी एक मिनट, एपी सिंह कहता है क्या मुझे नई जिंदगी मिल सकती है, ये वाली मुझसे खराब हो गई है